हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरत। आप देख रहे हैं आप ही का फेवरेट चैनल स्मार्ट शरत टेक। फ्रेंड्स, आज 26 जनवरी, मेरा ऑल सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। फ्रेंड्स मैंने जो वीडियो लेके आया हूँ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का ऊपर, और हाउसिंग फाइनेंस का ऊपर जो 23rd 24th को क्रेडिट सूच ने ब्लॉक डील के हिसाब से माल उठाए, कितना माल उठाए, वो भी डिस्कशन करेंगे। और 27 जनवरी में कैसा भारी तेजी आएगा, वो भी हम लोग टेक्निकली देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते डायरेक्टली वो न्यूज़ के ऊपर, एक बार न्यूज़ देख लेते, बाद में हम लोग फिर बाकी का डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इधर देख सकते हो क्रेडिट स्विस सिंगापुर लिमिटेड फ्राइडे को पिक किए थे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का ऊपर शेयर ओवर ₹972 करोड़ का थर्ड द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में ये माल उठाए थे, NSE का ऊपर उठाए थे, और क्वांटिटी था 22,36,394 शेयर्स, और परसेंटेज देखेंगे तो उनका 0.52% का शेयर का माल उठाए थे। तो ये माल कौन सा प्राइस में उठाए थे ना, 323.25 पैसे का ऊपर ये माल उठाए थे। टोटल ओवरऑल हम देखेंगे, वैल्यू देखेंगे तो 72.929 करोड़ का माल उठाए थे। तो ये माल हम लोग देखेंगे न्यूज़ में जाके, न्यूज़ में क्या दिखा रहा है और कैसा, जैसे कि आप लोग को मैं आप लोग का सामने लेके आया है ब्लॉक डील का डेटा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, आप देख सकते हो इधर। और क्लोजिंग प्राइस ये जो कि इधर शो हो रहा है 322.60 पैसे का ऊपर। तो हम लोग नीचे आते थे थोड़ा और इधर देखते हैं लेटेस्ट ब्लॉक डील फॉर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस BSE एंड NSE का ऊपर की। तो हम लोग नीचे और थोड़ा आएंगे तो इधर देख सकते हो क्लियर कट क्रेडिट स्विस सिंगापुर इधर था 24th जन, और ये भी क्रेडिट स्विस सिंगापुर ये भी 23rd जन। तो ओके, देखिए फ्रेंड्स ये जो कि कितना माल उठाए, हम लोग आगे चल के थोड़ा आगे जाके देख सकते हैं। तो ये NSE का ऊपर, ये भी NSE का ऊपर माल उठाए हैं। इधर जो 23rd को जो उठाए थे 311 रुपये का ऊपर, और क्वांटिटी इधर है, और 24 को जो माल उठाए 323.25 रुपये का ऊपर, और इसका क्वांटिटी इधर शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर क्रेडिट स्विस ने बहुत बुली से, और उनका जो व्यू है ये ऑलरेडी लॉन्ग टर्म का है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसका ऊपर आप एक बार दाव लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते डायरेक्टली और क्या बोल रहे हैं न्यूज़ के ऊपर, एक बार देखते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। और भी एक अपना जो लाइफ इंडिया इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC ने स्टेक बढ़ाया है, और ये बढ़ाया 110.72% अभी कर दिया है। और आपके लिए खुशखबरी है फ्रेंड, जो कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का Q3 रिजल्ट कब आएगा, वो मेरे को काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मेरे को रिक्वेस्ट किए थे, तो वो लोग के लिए मैं बोल देता हूँ 5 फरवरी को इनका Q3 रिजल्ट आने वाला है। तो इसका ऊपर नज़र रखिए। ब्रोकरेज हाउस का जो कहना है जो एसेट क्वालिटी में इनका इंप्रूव हो रहा है, लोन बुक में भी इंप्रूव हो रहा है, मैनेजमेंट कमेंट्री अगर गुड दे देते तो ये शेयर फिर 450 को टच कर सकता है। तो फ्रेंड, चलते हम लोग एक बार चार्ट NSE का वेबसाइट में और देखते हैं फ्राइडे का कैसा कारोबार था। तो फ्रेंड, मैं NSE का साइट पे आ गया हूँ, और आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा, एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ, 24th जनवरी का जो क्लोजिंग प्राइस है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का 321.70 रुपये का ऊपर, और 9.6 पैसे का ऊपर पॉइंट का ऊपर क्लोजिंग दिया है। परसेंटेज देखेंगे तो 3 पॉइंट का परसेंटेज ऊपर है। तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था 312 रुपया ओपनिंग हुआ था, बहुत बुलिश होकर, जैसे कि आप लोग को मैंने अभी बोला 319.95 रुपये में हाई मारा था 326.40 रुपये का, और लो मारा था 316.60 रुपये का। तो आप देख सकते हो इधर कितना बड़ा एक दिन में मूवमेंट आता है, जैसे कि आप लोग मालूम है मूवमेंट वाला शेयर है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है इसके लिए। और इधर देखते हैं हम लोग सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी कैसे गया, 2,66,00,000 का ट्रेडिंग हुआ था, उसमें से 36,84,000 का क्वांटिटी डिलीवरी में गया। परसेंटेज डिलीवरी देखेंगे तो 14%, ये परसेंटेज में तो इतना काफ़ी नहीं दिख रहा है, वो जो परसेंटेज किया है क्रेडिट स्विच ने किया है डिलीवरी का। तो हम लोग एक बार चलते हैं इसका
52 वीक हाई और लो के एक बार नज़र डाल देते हैं। 52 वीक हाई जो है 919 रुपीज़ बहुत ऊपर के ऊपर जो गिर गिर के वो आया था 165 रुपीज़ तक, जो कि 17 अक्टूबर तो वो ये 165 का लो भी मार दिया था। 165 से लेकर अभी तक देखेंगे फ्रेंड्स काफ़ी तेज़ी आ गया है इसका अंदर, इसीलिए क्रेडिट स्विच ने शायद इसका ऊपर माल उठाते जा रहा है। तो हम लोग चलते चार्ट के ऊपर, एक बार चार्ट पे देखेंगे। वनडे का चार्ट लगाया फ्रेंड्स मैंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। RSI तो फुल बुलिश में है और MACD भी फुल बुलिश में, इसमें कुछ भी तैयार नहीं है। RSI जैसे कि आप लोग मैं बोलता हूँ हमेशा 50 का ऊपर RSI रहेगा तो आप देख सकते हो अप ट्रेंड है। देखिए अभी RSI का जो सिग्नल ये अप ट्रेंड यही दिखा रहा है। तो एक बार चार्ट में हम लोग एक बार और डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर और क्या टारगेट मंडे के लिए आ रहा है इंट्राडे बेसिस में। इंट्राडे बेसिस में जैसे कि आप लोग देखेंगे ये क्लोजिंग प्राइस है इंट्राडे बेसिस में, और जो टारगेट आ रहा है 335 जो कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। 300 में लिख के दे देता हूँ आपको, जैसे आपको ईजी रहेगा 335। और सेकेंड टारगेट आ रहा है जो है 345, यहाँ तक आप टारगेट लेके चल सकते हो। जैसे कि आप लोग का जैसे प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना चाहिए, मैं अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइनिंग हुए तो मैं बताऊंगा उधर, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइनिंग नहीं हुए जाके ज्वाइनिंग हो जाइए, मैं अपडेट उधर ही देता हूं। तो आप 10 पॉइंट का ऊपर काम कर सकते हो उसके ऊपर इंट्राडे बेसिस में, और डाउन ट्रेड का तो मेरे को चांस नहीं लग रहा है। अगर डाउन ट्रेड भी आ रहा है तो ये जो सपोर्ट लेवल है 312 रुपीज़ के आसपास ये तक आ सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा है जैसे मंडे का सेशन में ये डाउन ट्रेड होगा, क्योंकि इसमें जो ब्लॉक डील हो रहा है इसका वजह से वो अपसाइड जाएगा ही जाएगा। तो आप लोग का अगर प्लानिंग है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे फ्रेश बाइंग करना है तो मैं बोलूँगा आपको 311-13 रुपये के ऊपर फ्रेश बाइंग करना चाहिए, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म बेसिस में। तो हम लोग एक बार जाते अगर एनालिसिस करते एक बार हम लोग उसका चार्ट के ऊपर टेक्निकल एक बार देख लेते हैं। टेक्निकल देखने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा टेक्निकल, जैसे आप लोग को मैं क्लियर इधर दिखाता हूँ, जैसे जीरोदा का ये सॉफ्टवेयर है इसमें इजीली हम लोग को टेक्निकल देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग को मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ EMA हाई डे का EMA 310 रुपया, इसका ऊपर हम लोग का क्लोजिंग है, जैसे मैं इधर क्लोजिंग लिख देता हूँ 322 रुपया पकड़े ओके। और 10 डे का EMA है 308 रुपया है, 20 डे का EMA 306 रुपया है, 50 डे का हम लोग EMA देखेंगे जो कि 300 रुपया। अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो मैं बोलूँगा 300 रुपया और 310 रुपया, जैसे कि मैंने 20 डे का EMA इसका ऊपर आपको फ्रेश बाइंग करना चाहिए। और इसका आप लोग ऑलरेडी अगर ले चुके हैं तो आपको किधर का एग्जिस्ट करना है, तो ये लेवल जो है 200 डे का SMA सिंपल मूविंग एवरेज ये लेवल का ऊपर आपको एग्जिस्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का भी है तो आप बनने रहिए, कुछ भी इशू नहीं है इसका ऊपर। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक व्यू, जैसे कि आप लोग को अच्छा लगा होगा मुझे लग रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा व्यू मेरा चैनल आप लोग को कुछ भी नॉलेज शेयर करता है तो फ्रेंड्स मेरा चैनल को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके अभी का सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो मेरा मिलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।